भारतीय वायुसेना ने अस्त्र शक्ति 2030 में अपना दम जोरदार तरीके से दिखाया है। भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में वायुसेना ने आकाश हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि आकाश वेपन प्रणाली के जरिए 4 लक्ष्य को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। डीआरडीओ के मुताबिक भारत ऐसा पहला देश बन गया है जिसने ऐसी क्षमता हासिल की है जिससे सिंगल फायरिंग यूनिट के जरिए उस रेंज पर कमांड गाइडेड के जरिए 4 टारगेट को नष्ट कर दिया है। ट्रायल के बारे में बात करते हुए अधिकारियों ने कहा कि अभ्यास के दौरान ही एक ही दिशा से 4 टारगेट क्लोज फॉर्मेशन में आए और फिर बटकर अलग अलग दिशाओं में एक साथ डिफेंस असेट पर हमला करने लगे। अधिकारियों ने कहा कि आकाश हथियार प्रणाली को फायरिंग लेवल रडार, फायरिंग कंट्रोल सेंटर और 2 आकाश एयरफोर्स लॉन्च के साथ तैनात किया गया। इन लॉन्चर्स में 5 मिसाइलें लगी हुई थी। इस अभ्यास के दौरान सबसे पहले FILR ने हवा में दुश्मनों का पता लगाया और फिर आकाश फायरिंग यूनिट ने उन लक्ष्य को हवा में ही मार गिराने का आदेश दिया। इसके बाद कमांडर द्वारा आदेश जारी किया गया जिसके बाद 2 लॉन्चर से 2 आकाश मिसाइलें हवा में उड़ी। वही इसी लॉन्चर से बाकी अन्य 2 लक्ष्य को भी उड़ाने का आदेश दिया गया जिसके बाद कुल 4 मिसाइलें ने 30 किलोमीटर की रेंज पर चारों टारगेट को तबाह कर दिया। बता दें कि आकाश हथियार प्रणाली सिस्टम स्वदेशी है। इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने बनाया है। पिछले ही दशक में इसे आर्मी और वायुसेना में तैनात किया गया है। वर्तमान में जिस सिस्टम से इसकी फायरिंग की गई उसका रिफीट ऑर्डर 2019 में ही वायुसेना की तरफ से दिया गया था। बता दें कि आकाश वेपन सिस्टम को खरीदने के लिए कई देश आतुर हैं। DRDO लगातार इसे अपग्रेड कर आधुनिक बना रहा है।